दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण नलावड़े है और मैं आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो हमारे सबके दिल के करीब है और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस मतलब वो होता है कि जिसमें हम अपना पैसा मैनेज करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है लाइफ में जो पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने में ही उनको प्रॉब्लम आता है। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में पांच चीजें होती हैं। पहला होता है आपका इनकम, दूसरा होता है आपके एक्सपेंसेस या फिर स्पेंडिंग, तीसरा होता है सेविंग, चौथा होता है इन्वेस्टमेंट्स और पांचवा होता है प्रोटेक्शन। ये पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहला आता है आपका इनकम। आप जो भी व्यवसाय करते हो, आप अगर नौकरी करते हो तो जो आपकी सैलरी है दैट इज योर इनकम। दोस्तों अगर आपके इनकम में ही प्रॉब्लम है तो आपके पर्सनल फाइनेंस में प्रॉब्लम जरूर आने वाला है। इसलिए पहली बात यह होनी चाहिए कि यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी इनकम। तो फोकस करिए कि आपका इनकम बढ़े। दूसरी बात होती है स्पेंडिंग्स या फिर एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं। दोस्तों बहुत बार हमने देखा है कि लोग बिना सोचे स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। जितनी सैलरी आती है उसमें से जितने रेंट जाता है आपका, मे बी अगर आप रेंट पे रहते हो घर में तो रेंट जाता है, या फिर आपका मॉर्गेज है, कार लोन लिया है आपने, पर्सनल लोन लिया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लोन लिया है, वो सारे एक्सपेंसेस है। आप घूमने के लिए जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, ये सारी चीजें जो है वो आपके स्पेंडिंग्स में आती है। दोस्तों सबसे क्रिटिकल पॉइंट अगर पर्सनल फाइनेंस हेल्दी रखना है तो वो है आपके स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल करना। ज्यादातर लोग ये कर नहीं पाते हैं। जैसे ही थोड़ा इनकम बढ़ता है वो अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। खास करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की बात करें दोस्तों, जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तुरंत आप एक नई गाड़ी ले लेते हो, तुरंत आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना शुरू कर देते हो, और जब बिजनेस डाउन हो जाता है तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। फिर आप कंपनी चेंज करने की कोशिश करते हो, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी पे आप दौड़ लगाना शुरू कर देते हो। दोस्तों दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाती है, स्टिक ऑन टू इट और उसमें अपना इनकम बढ़ाइए और अपने स्पेंडिंग्स पे ध्यान दे दीजिए, अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात आती है सेविंग्स। दोस्तों जब आपका इनकम है उसमें से स्पेंडिंग्स माइनस करते हो तो आपका सेविंग्स आ जाता है। ये एक एवरेज व्यक्ति का डेफिनेशन है। मैं MBA फाइनेंस हूं, मेरा डेफिनेशन कुछ अलग है। मैं समझता हूं यू शुड पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहली चीज आपने करनी चाहिए इनकम, दूसरी चीज आपकी आनी चाहिए आपके सेविंग्स। दोस्तों तो सेविंग अगर आपका हेल्दी है तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो हमने देखा इनकम, दूसरा स्पेंडिंग देखा हमने, तीसरा हमने देखा सेविंग्स, चौथा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब वो सारी चीजें जो आप खरीदते हो जिससे आपको इनकम आ जाता है। मान लीजिएगा आपने कोई स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, कोई बॉन्ड्स ले लिए, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, या फिर आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जिसका आपको रेंट आ रहा है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं आपको यहां पे वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपका घर एक इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां से आपको कोई इनकम नहीं आ रही है, वहां पे आपका EMI जा रहा है। सो इट इज नॉट योर एसेट, इट इज अ लायबिलिटी। अभी एसेट और लायबिलिटी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो करना चाहता हूं, डेफिनेटली उसमें डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन एसेट वो होता है जिससे आपको इनकम आता है, लायबिलिटी वो होती है जिससे आपका इनकम जाता है। पांचवी चीज जो आती है दोस्तों वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या, आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका फ्यूचर या फिर आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसमें क्या आ सकता है, आपका इंश्योरेंस आ सकता है जो कि टर्म इंश्योरेंस होता है, और दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों ये दो चीजें हैं जो आपके पास सर्वप्रथम होनी चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस। एंडोमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न्स देने, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करूंगा और उससे रिटर्न्स मिलेंगे, दोस्तों इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर रिटर्न्स, इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो इंश्योरेंस में आपने पैसा इसीलिए लगाना चाहिए ताकि आपको टर्म प्लान मिले, ताकि आपको इंश्योरेंस मिले, बस दैट्स इट। देयर आर अदर टूल्स ऑफ मेकिंग मनी,
अदर इन्वेस्टमेंट्स है जिससे आप पैसे बना सकते हो दोस्तों। इंश्योरेंस से पैसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको। और फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आपके सेविंग्स हेल्दी है, 3 से 12 महीने के जो मंथली एक्सपेंसेस है, आपके जितने महीने का खर्चा है दोस्तों, 3 से 12 महीने का खर्चा आपके पास लिक्विड कैश में चाहिए, लिक्विड में चाहिए दोस्तों। फोकस ऑन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, स्टे फाइनेंशियली हेल्दी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।